हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ अपने कोड प्ले चैनल में कि कैसे .NET कोर में ऑटो फैक्ट्री यूज की जाती है। ऑटो फैक डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें करना पड़ता है, इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंस्टॉल करना पड़ेगा नूगेट पैकेज से। ऑटो फैक देखें इसमें है कि नहीं है। ऑटो फैक डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो आपको क्या आना है, ऑटो फैक यूज करना है। ऑटो फैक एक्सटेंशन डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टार्टअप डॉट क्लास में आना पड़ेगा। स्टार्टअप डॉट क्लास में आने के बाद यहाँ पे हम एक सर्विस ऐड करेंगे। ठीक है, क्या ऑटो फैक एड ऑटो फैक एक सर्विस ऐड कर दिए। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप सपोज मुझे कुछ मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो मॉडल पड़े उसी में कुछ काम करते हैं। ठीक है, सपोज चलो मुझे इसमें एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर दी। ठीक है, सपोज कमेंट्स। ठीक है, लोग कमेंट्स जो देते हैं तो क्या आता है बेसिकली, ये चीज़ ऐड कर दी। अब इसके लिए हम सर्विस बनाएंगे कि सपोज मेरे पास एक स्टैटिक डेटा है कमेंट्स का, और मैं चाहता हूँ उसके लिए एक सर्विस बना दूँ और जितने भी लोग कॉल करें उनमें वो कमेंट्स आए। ठीक है, और फिर जब भी हमें कमेंट्स को चेंज करना पड़े तो हम अपनी जाके केवल कमेंट्स चेंज करें और वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए वहाँ पे। ठीक है, तो लूजली कपल्ड होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, बेसिकली लूजली कपल्ड होता है। वो सब बात की बात है, अभी इसमें मैंने मॉडिफिकेशन किया। अब जाके हम सर्विस बनाएंगे। सर्विस के लिए क्या करें, सबसे पहले इंटरफेस बनाएंगे, सपोज न्यू आइटम, और इंटरफेस पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बना देंगे आई कमेंट सर्विस, कमेंट सर्विस। ठीक है, ऐड कर दिए। इंटरफेस को पब्लिक बनाना ज़रूरी है। अब इसमें हमने एक स्ट्रिंग नाम का मेथड बनाया बिना बॉडी का, गेट कमेंट्स। ठीक, क्योंकि कॉन्क्रीट मेथड होते हैं, प्योरली कॉन्क्रीट मेथड होते हैं। अब हमने यहाँ से कॉपी कर लिया नेम। ठीक है, नहीं तो हम क्या करें, इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम रीनेम कर लेते हैं इसको। ये रीनेम कर लिया हमने इसको, यहाँ पे चेंज कर दिया, क्लास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे नेम चेंज कर दिया, यहाँ पे इसको बॉडी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, रिटर्न कर दिया स्ट्रिंग। क्या रिटर्न किया, लर्निंग ऑटो फैक। ठीक है, अब क्या करना है हमको। अब बेसिकली ये तो हम कर दिए, लेकिन हमें इस मेथड, ये मेथड तो इस क्लास का हो गया। ठीक है, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इस क्लास का मेथड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमने ये जो बनाया एक इंटरफेस उसको इम्प्लीमेंट करके मेथड बनाएंगे, तो उस मेथड को बॉडी दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई कमेंट सर्विस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि सबसे पहले हमें एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि जो हमने सर्विस के अंदर, सपोज मुझे सर्विस के अंदर बनानी चाहिए थी लेकिन बाहर ही बना दी, कोई दिक्कत नहीं इसको। ठीक है, ये बना दिए कमेंट डॉट सर्विस। अब हमको इसको यूज़ करना है कहाँ पे, अपने कंट्रोलर में। सबसे पहले आते हैं कंट्रोलर में। कंट्रोलर में ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, तो सपोज आई लॉगर के अंदर ये पड़ा हुआ है, तो एक हमें सर्विस भी इंजेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, आई कमेंट सर्विस, कमेंट सर्विस। ठीक है, और सेम बना लेंगे हम एक, यहाँ पे जाके एक प्राइवेट बना लेंगे सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम बना लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस डॉट कमेंट सर्विस इक्वल टू कमेंट सर्विस।
सो इस कमेंट सर्विस में हम ये कमेंट सर्विस जब इंजेक्ट होगा तो ऐसा इन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे का स्टेप क्या है, जो मेरा गेट मेथड है, गेट मेथड क्या ले रहा है, आई इनिमरेबल ऑफ दिस, ठीक है। और इसमें जो अपना इसने कोड लिखा है वो कोड तो लिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो सर्विस इंजेक्ट हो वो कमेंट में जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा दिए, कमेंट्स इक्वल्स टू डॉलर डबल कोट्स और इसके अंदर अंडरस्कोर सॉरी पिस डॉट कमेंट सर्विस डॉट गेट कमेंट्स, ये मेथड हमने कॉल कर लिया और हम उसका इंडेक्स भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये कर लिए हाइफन इंडेक्स, ठीक, ये चीज हो गई यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, हमने तो इंजेक्ट भी कर लिया, उस मेथड को कॉल भी कर लिया। अब जब भी हम इसको रन करेंगे ये देखते हैं रन होता है कि नहीं होता है ना। अगर ये तो एरर आ गया पहले ही, वेयर इज इट, सॉरी, ठीक है। हम यहाँ पे रन करते हैं, देखो क्या इशू आता है, अगर इशू आता है कि नहीं आता है, चल जाता है कि नहीं। ये कह रहा है इनवैलिड ऑपरेशन अनेबल टू रिजॉल्व द सर्विस ऑटोफैक कमेंट सर्विस व्हाइल अटेम्प्टिंग द एक्टिवेट, क्योंकि देखो एक्टिवेट तभी होगी ये सर्विस जब इसको ज़रूरत पड़ेगी, यही होती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टॉप करेंगे इसको, ऑलरेडी हमारे पास है न्यूगेट पैकेज तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमें जाके एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा यहाँ प्रोग्राम डॉट फाइल में, ठीक है। अब यहाँ लगाना पड़ेगा डॉट क्या यूज सर्विस फैक्ट्री, ठीक है। और इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा न्यू ऑफ ऑटोफैक, ऑटोफैक सर्विस प्रोवाइडर फैक्ट्री, ठीक। ये चीज जैसे हम करेंगे ये एक्टिवेट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आपका, क्योंकि जब मेन मेथड रन होगा, मेन मेथड में क्रिएट बिल्डर होस्ट के अंदर ARGS पास होता है यहाँ पे, तभी ये रन करता है मेथड। ये जब रन करेगा तो स्टार्टअप लोड करेगा, ठीक है, स्टार्टअप रन करता है। तो उसके पहले यहाँ पे हम ये ऑटोफैक फैक्ट्री रजिस्टर करवा दिए जिसके थ्रू ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मैं जाके स्टार्टअप डॉट फाइल में, हमने ऑलरेडी इसको ऐड कर दिया था, यहाँ एक काम और करना पड़ेगा, हमें सर्विस कॉल करने के लिए उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वाइड कंटेंट कॉन्फिगर कॉन्फिगर बिल्डर और इसके अंदर हम पास कर देते हैं कंटेनर बिल्डर, ठीक है। ये यहाँ पे कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल्डर डॉट रजिस्टर टाइप, इसके अंदर पास करेंगे कमेंट सर्विस, कमेंट सर्विस एज कमेंट सर्विस डॉट एस और फिर इसके अंदर आई कमेंट सर्विस, ठीक, ये हो गया काम मेरा। अब आपको क्या करना है, रन करना है। अब देखिए रन करते हैं तो क्या डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू मेरी सर्विस इंजेक्ट होती है नहीं होती, लेट्स चेक। अब आप देखिए यहाँ कमेंट्स में आ गया ना, लर्निंग ऑटोफैक 4 3, वो इंडेक्स आ रहे हैं, बाकी समझ में आ गया ना आपको कि एक सर्विस हम बना के उसको रजिस्टर्ड करके कहीं भी इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फायदा होता है ऑटोफैक,
डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करिए। एम करते हैं 1000 लाइक्स के, और प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट करिए कि अभी इतनी रात को मैं मेहनत करके बना रहा हूँ, फिर एडिट करूँगा, फिर आप देखेंगे इसको, फिर आप समझेंगे कि एक्चुअली करता कैसे काम है, ठीक है। तो आप बस नए हैं तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू सो मच। और आप घर पे रहिए, प्लीज़ बाहर मत निकलिए क्योंकि बहुत ही पैंडेमिक सिचुएशन है, ठीक है। तो प्लीज़ बी स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।